हेलो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं NIACLAO का, जो कि पीटी का एग्ज़ाम आपका 30 जनवरी के हुआ है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का हम एनालिसिस देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम आया था वो ओवरऑल आपका किस लेवल का था, हार्ड लेवल का था या मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम आए हैं, और आपका जो गुड अटेम्प्ट क्या है। सो चलिए, अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहें। चलिए एनालिसिस देखते हैं। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश आया था, रीजनिंग, उसके बाद आपका मैथ आया था। ये आपका सीक्वेंस था एग्ज़ाम का। ओवरऑल आपका जो लेवल था मॉडरेट लेवल का आपका आया था। ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और रीजनिंग थे जो कि टाइम टेकिंग थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पजल से आए थे, और मैथ आपका डिफ़िकल्ट और ट्रिकी था। सो दोस्तों चलिए, बर्ड एक्सचेंज से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश का एनालिसिस हम देख रहे हैं अभी। बर्ड एक्सचेंज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से है उससे 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपके कितने 8 क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए हैं। और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो टॉपिक था आपका बैंक ए सोर्स ऑफ मच पब्लिक डिस्कशन, ये आपका एक टॉपिक था। और फिल इन द ब्लैंक से आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक जंबल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पारा जंबल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो एरर स्पोर्टिंग है उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरर स्पोर्टिंग से भी आपके दोस्तों हम देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, और जो अरेंजमेंट दिया होता सर्कुलर अरेंजमेंट आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। और पजल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पजल से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शेड्यूलिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग में पूछा गया था कि आपका 5 रस्सी है, कलर लेंथ नीड टू बी अरेंज्ड, और एक था कि ऑर्डर ऑफ रैंकिंग 7 पर्सन दिए हुए थे, आर पेंटिंग देयर हाउस इन ए बी एन ऑर्डर, इससे आपके 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे, मोस्टली बेस्ड ऑन पजल्स। सालोलिज्म से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। इनक्वलिटी से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। अल्फ़ाबेट का टेस्ट उसमें आपका 2 आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। इन्वेस्टर एंड इंट्रोड्यूस्ड। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग और डिकोडिंग से आपका 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैथ का देख लेते हैं। मैथ से आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछे गया है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया है। 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार ग्राफ दिया हुआ था, कैलकुलेट दिया हुआ था, टेबल का क्वेश्चन था, टेबल डीआई का क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन थे वो मिसलिनियस थे, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, सिंपल वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड वर्क वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। सो ओवरऑल अगर दोस्तों आपने 70 से 75 के बीच में अगर आप ने अटेम्प्ट किए हैं तो काफ़ी गुड अटेम्प्ट है आपका। 70 से 75 आप अटेम्प्ट अगर लिए हैं तो